सुबह सुबह भाई गुड मॉर्निंग हो रही है अपनी वॉक से। तो सबसे पहले हेलो भाई, ब्लॉग स्टार्ट करते अपने भाई के चैनल पर एक ब्लॉग में। फिलहाल तुम्हारा भाई 5 बजे उठ गया था, ठीक है, लाइट ना आने के कारण मैं पानी पीता हूँ, 7 बज गया। अब इसकी वजह से मैं रनिंग करने में लेट हो गया। तुम्हारा भाई कल से रनिंग करने आ चुका है और अभी जा रहे हैं रनिंग करने। तो पहले रनिंग करेंगे, फिर छोटी मोटी एक्सरसाइज करेंगे। भाई आ गए हम अपना रनिंग करने। ये देखो कुछ ऐसा है रनिंग पिच। यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग हैं ना, क्रिकेट भी खेलते हैं, पीछे देखिए वॉलीबॉल का नेट भी लग रहा है। तो ये ना पॉलिटेक्निक है, जो इधर देख सकते हो, इधर लोग बच्चे रहते भी हैं, उधर पढ़ते हैं। और इसी फील्ड में मैं आ गया हूँ, क्यों अपना मस्त रनिंग करेंगे। फिलहाल तो मैं वॉकिंग कर रहा हूँ क्योंकि वो मसल्स हैं ना वो खुल जाएंगे, थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे ना, तो रनिंग करने में आसानी रहेगी। कल भी मैं आया था तो भाई पहले दिन तो पैरों में बहुत तगड़ा दर्द हो रहा था, बट रेगुलरिटी बनानी है, स्टेमिना बूस्ट होता है ना, तो भाई यही सिस्टम हैंग करना पड़ेगा। और सुबह सुबह 5 बजे यार इतनी ख़तरनाक ठंड पड़ रही है, समझ लीजिए तीखी ठंड, जिसे बोलते हैं ना तीखी, वो वाली ठंड पड़ रही है बिल्कुल। और यहाँ पीछे देखो, इधर ही अपनी खेती कर रखे हैं, ये अपने वेजिटेबल्स फूल सब उगा रखे हैं भाई पॉलिटेक्निक वालों ने। और यहाँ कूड़ा सुबह सुबह इतना सारा कूड़ा फैला रखा है भाई, देखो इसे देखो, यहाँ देखो और वहाँ देखो। रनिंग तो कर ली मैंने, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। हमारे यहाँ पे यार बंदों का खतरा बना रहा है पूरा का, ये बैठा वहाँ बैठा और वहाँ देखो आपस में लड़ रहे हैं, वो रनिंग मार रहे हैं भाई, वो गाय के पीछे बैल पड़गो, भाग गाय भाग बसंती भाग। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए, नाच नाच नाच। बसंती भाग, इस गुंडों के सामने मत नाचना भाग। कैड़ी चीज हो रही है, देखो कैसे भाग रहा है बंद। हमारा गुल्लन गाय को देखते ही पागल हो गया। भाई पीछे ही पड़ गया उसके, वो छोड़ ही ना रहा, पीछे ही ना छोड़ रहा, कितना हरामी बैल है। अरे यार कितने सारे आ गए खतरनाक बॉडी बिल्डर, देख वो खतरनाक डैमेज। अरे ये क्या देख रहा कैड़ा सीन होने वाला भाई, यहाँ से निकलो, अपना एक्सरसाइज करो और यहाँ से निकलो। रिक्स देख रहे हो, रिक्स तुम्हारे भाई पे, वहाँ मैच चल रहा है और यहाँ तुम्हारा भाई वर्कआउट कर रहा है। अगर बॉल आती है तो सीधा मेरे फेस को हिट करेगी, रिस्क से इश्क कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो भाई। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वर्कआउट करना चाहिए। हालत देख लो, ये होती है भाई देसी एक्सरसाइज, पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर पूरी टी शर्ट गंदी हो गई, एक्सरसाइज हो गई, घर निकाल रहा हूँ, थोड़े बहुत डंबल करूँगा घर पे। चलिए अपना काम, क्योंकि भाई हड्डियों को भी मजबूती चाहिए ना, अब रनिंग चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है थोड़ी बहुत, तो हड्डी आवाज ना करने लगा टक टक टक, इसलिए अपना ओट्स बनाते हैं। और मैं आ गया था यार, पता दूध अभी नया, मतलब बहुत दिन बाद रनिंग कर रहा हूँ ना, रनिंग जब मैं जिम करता था ना तब भी नहीं करता था, बस तो अपना थोड़ा हल्का कार्डियो करा, बस रनिंग जरूरी है समझ में आया, तो रनिंग कर रहा हूँ ना, तो यार रनिंग तो कर ले रहा हूँ, फिर जब आते समय जो पैरों में दर्द हो रहा है ना भाई, 2 दिन से, कल तो बहुत तगड़ा दर्द हुआ, आज नॉर्मल है और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इस चीज की। ऊपर आया जा नीचे सारे नीचे जा, फैल गया तो मम्मी मारेंगी, अगर ये फैल गया ना तो, क्योंकि आज अभी मम्मी अपना काम करके खत्म करके गई है घर साफ करके, जैसा आप सबको पता है भाई, अगर मम्मी ने घर साफ कर दिया और थोड़ा सा भी गंदा हुआ तो तुम्हें गंदा कर देंगे, इससे बढ़िया भाई अपना सेफ्टी। ठीक है मैं पहले बना लेता हूँ, कूड़ा डालने का काम तो मेरा ही है, मैं ही डालूंगा, जाओ मैं डाल दूंगा, जाओ यार। एक पता ना, ये मम्मी ने भी कूड़ा, मेरी जो ड्यूटी है उसे निभाना, और यार ये पिंपल हो गया देखो कितना गंदा लग रहा है ना, और ये दर्द भी कर रहा है बहुत तगड़ा मुझे इसकी ना, ये हाँ ये धुलेगा, इसे भाई देना पड़ेगा। तो इनके नाते के चक्कर में हो गया ना कांड, इस चीज का डर था ना भाई वही हो गया, देखा ना है, जो भी उन्हीं की वजह से हुआ, उन्हीं से बात कर रहा था,
वो तो उन्होंने देखा नहीं है, गलती तो नहीं कह रहा हूँ मम्मी, तुम्हारी गलती है। माफ कर दिया भाई यार, इस पिंपल की वजह से ना शायद मुझे बुखार सा भी फील हो रहा था रात को, बहुत ज्यादा ये दर्द कर रहा है पिंपल, पता नहीं कैसे पिंपल निकल चुका है, दर्द दर्द बहुत कर रहा है। आपसे बात बाद में करूंगा, पहले इसे कर दो वरना। तो भाई ओट्स खा लो, ओट्स में ड्राई फ्रूट्स डाल रखे हैं अपने। और भाई मैं थोड़ी देर लेट गया था क्योंकि पैरों में ना कुछ ज़्यादा ही दर्द होने लगा, ठीक है। और एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं आपको, प्रोडक्ट क्या चीज़ है दिखाता हूँ। ये मंगाया था मैंने कल, एक स्टैंड जो प्रॉपर फ़ोन होल्डर है ये काम करता है भाई, सबसे एक तो चीपेस्ट है ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब ये ना मेरा फ़ोन उसी पर होल्डर हुआ है, मैं एक क्लिप ले लेता हूँ जो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा है। भाई देखो इस तरीके से कुछ मेरा व्लॉग बनना है, और ये मेरा एंड्रॉयड से व्लॉग बना के दिखा दूंगा कि भाई कुछ इस तरीके से ये काम करता है, और मुझे ना सबसे बढ़िया चीज़ की ये लगी, एक तो ये चीप है, चीपेस्ट मतलब कम पैसों में और वैल्यू फॉर मनी है, जो आप कहीं भी इसको है ना लगा कर व्लॉगिंग के पर्पज से ले सकते हो, कर सकते हो। मान लो आप कहीं जा रहे हो और कुछ शॉर्ट्स लेने हैं या किसी भी तरीके का, और वहाँ पे एक होना चाहिए बस, उससे एक चिमटी सी होती है उसे लगाया, ऐसे फंसाया और काम बन गया बिल्कुल सेट। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। एक और चीज़ मंगाई थी मैंने ट्राईपॉड, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। और आज चलेंगे भाई अपना चश्मा लेने, क्योंकि आज चश्मा तुम्हारे भाई का बन चुका होगा। इसके साथ मैंने एक और चीज़ मंगाई थी भाई, वो दिखाता हूँ क्या चीज़ मंगाई थी मैंने। ये देखो भाई, सब सुख लहे तुम्हारी, पास से दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखो भाई सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना, एक ही मैंने मंगाया था। अब क्योंकि मॉर्निंग जब होती है ना मेरी, तो फेस इधर टर्न होता है और सबसे पहले फिर हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं और ये श्लोक्स पढ़ लेते हैं, तो भाई मोटिवेशन मिल जाता है, जो भी माइंड में डर होता है वो निकल जाता है। एक दो चीज़ और मंगाऊंगा जो थोड़ी सी देख के यार मोटिवेशन और वाइब्स अच्छी अच्छी आए, ठीक है। मैं अपना ख़त्म करता हूँ इसको यार, ये तो यहाँ लड़ने को तैयार, वो देखो खतरनाक कितना मोटा बंदर है भाई, ये है ना पूरी गली का ताज। तार फार हमारे यहाँ तो खतरनाक बंदरों ने हमला कर रखा है चारों तरफ, एक तो भयंकर मोटा फेस पूरा डैमेज हो रखा था उसका, साड़ी बेचने आ गया भाई, पूरा फेस डैमेज कर रखा था। ओहो आज भाई हमारे लंच में क्या बना दिखाता हूँ मैं आपको, जाड़ों का सबसे कॉमन चीज जो सबके घर में बनती है, आलू मटर गोभी, मटर गोभी मटर आलू, बस गोभी सबसे ज़्यादा चलती है। कल भी गोभी, परसों भी गोभी, गोभी राज करता है ठंडों में सबसे ज़्यादा। और भाई ये भाई देखो बथुआ के पराठे भाई, जिसने खाए होंगे उस सबको टेस्ट पता है इसका कैसा होता है। उसके साथ है ना चाय होती है ना, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग। बट मैं चाय पीता नहीं हूँ, मैंने चाय बंद कर दी है बहुत पहले ही। अब मैं भाई अपना ये आलू गोभी मटर ठंड वाली, और मज़ा भी आता है यार खाने में, ऐसा ही नहीं है कि खाने में बेकार लगता है, रोज़ बनती है, रोज़ ही खाने में अच्छा लगता है। बट सबसे ज़्यादा यही बनती है, ठंड होगा राजा यही है, और अपना बथुए के पराठे के साथ इंजॉय करते हैं। लो भाई निकल चुके अपने शहर का परीक्षण करने। आती ड्राइविंग दे दे सानू भाई चलो जरा जूस वाले में, सॉरी बड़ी गाड़ी चला लेते हैं भाई। सानू भाई की नौकरी करूँ भाई मैं, 5,000 रुपये महीना दे मैं सानू भाई, आ जा मैं 4,500 रुपये दे मैं। लो भाई सुन लो भाई, मौजवानी नौकरी करूँ किस तन पे जी रहा हूँ, 5,000 रुपये महीना कमाऊँ, काट रहे हैं चश्मा लेने आ गए। कैडी चीज आ गया भाई, आ गया तुम्हारे भाई का चश्मा, अब पहन के देखेंगे इसका फ्रेम कैसा भाई। यार तुम्हारे भाई के फ्रेम का चश्मा भाई, लग रहा हूँ ना कैडी नॉर्मल है भाई, बताना कैसा लग रहा है। हो गया ना सिस्टम, अब लग रहा हूँ ना दूरबीन वाला मैं भी, कैडी चीज ऐसा देखता हूँ लगा के कैसा लगता है, बोला फीलिंग तो अच्छा आना चाहिए यार। रिएक्शन मम्मी का कुछ ना कैसा है, ये तो खुशी है बिरयानी ले आया, तो सफेद ही तो लाना था, नॉर्मल फोन ज्यादा यूज हो रहा है ना, तो थोड़ा सा इसका यूवी लेंस रिफ्लेक्शन कम होगा। 3 मिनट पड़ गए तुम्हारी कभी थी ऐसा, मैं तो ऐसे डाला है, मुझे क्या परमानेंट पड़ा हुआ, थोड़ी मैं अंदर थोड़ी दिखता है मुझे।
ये थोड़ी है चश्मा, वो नहीं है। इसमें देखो, इसमें देखो भाई, कुछ नहीं है, कोई कलर वाला नहीं है। तो भाई मैंने चश्मा अभी इसलिए लगा रखा, सबसे पहले तो मैंने अपना डिनर खत्म कर लिया, मैंने बालों में ऑयलिंग करवा ली क्योंकि बाल मेरे थोड़े गिर रहे थे, उसकी वजह से अब तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बेटर है बालों में। अब तुम्हारा भाई थोड़ा सा पबजी खेल गया और गुड नाइट कर देंगे, फिर जाएंगे सो। ठीक है, तो इस व्लॉग को मैं यही एंड कर देता हूँ। अगर ये आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, ठीक है, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय, सपोर्ट दिखाओ, केड़ी चीज, बाय।